हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से होने वाले हैं। वीडियो बहुत ही शॉर्ट और इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहिए। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हो, यहाँ पे हमने एंजल वन में लॉग इन कर लिया है। सिंपली यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा होम में आने के बाद में यहाँ पे इंस्टा ट्रेड का जो है फीचर दिया हुआ है, इस पर हम टैप करेंगे। टैप करने के बाद हमारे सामने जो है कुछ इस तरह से जो है इंटरफेस शो करेगा। यहाँ पे आप जो है इसका टाइम फ्रेम भी चेंज कर सकते हो। हमने जो है यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम सेट कर लिया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, आज के दिन में शानदार ब्रेकआउट हमें देखने को मिला। 18,260 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था, तो फाइनली आज के दिन में ब्रेकआउट देखने को मिला। ब्रेकआउट के चलते यहाँ पे रिटेस्ट करके फिर से ऊपर की ओर हमें बाउंस करता हुआ भी दिखाई दे रहा है। इसके चलते फर्दर हमें यहाँ पे और भी तेजी कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे सकती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करेंगे तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट 18,400 का यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों निफ्टी में ये वाला जो ब्रेकआउट है, इसके चलते हमें तेजी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों ये तो हो गया इसका निफ्टी का। अब हम डिस्कस कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर के साइड में बैंक निफ्टी का दिया है, इस पर हम टैप करेंगे। टैप करने के बाद देखेंगे हमारे सामने जो है बैंक निफ्टी का जो है चार्ट ओपन हो चुका है। टाइम फ्रेम सेम ही है, 15 मिनट टाइम फ्रेम में हमने इसको सेट कर लिया है। अभी के लिए 43,400 का लेवल हमारे लिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा, क्योंकि इसी लेवल पे आने के बाद में यहीं से हमें मल्टीपल टाइम जो है रिजेक्शंस देखने को मिल रहे हैं। और अभी इसके बाद अगर इसको ऊपर की ओर ब्रेकआउट करता है तो 43,600 के लेवल्स नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे। अगर इसको भी ऊपर की ओर ब्रेकआउट कर देता है तो यहाँ पे हमारे लिए ऑलमोस्ट 43,730 के लेवल जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों ये लेवल जो है आप अपने चार्ट पे मार्क करके रख लीजिए, कल के लिए आपको जो है इसका यूज होने वाला है। साइड फीचर यूज करके आप प्लान कर सकते हो। ऊपर के साइड में आप पीएनएल भी देख सकते हैं। नीचे के साइड में बाय कॉल बाय पुट का ऑप्शन दिया है। सिंपली हम यहाँ पे अगर ब्रेकआउट होता है तो बाय कॉल पे हम टच करेंगे। टच करने के बाद में नीचे के साइड में आपको कंटिन्यू दिखाई दे रहा होगा, कंटिन्यू पे हमें टैप करना है। जैसे ही हम उस पर टैप करेंगे हमारे सामने जो है कुछ इस तरह से जो है इंटरफेस शो करेगा। अगर आप बाय करके ओवरनाइट के लिए होल्ड करना चाहते हो तो कैरी फॉरवर्ड में करेंगे। सेम डे बाय सेम डे सेल करना चाहते हो आप इंट्रा डे में करेंगे। लॉट साइज की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी का 25 का रहेगा और निफ्टी का 50 का रहेगा। दोनों की प्रोसीजर जो है सेम ही रहेगी। तो यहाँ पे हम 1 एंटर करेंगे। नीचे के साइड में लिमिट और मार्केट का ऑप्शन दिया है। लिमिट यानी कि आप अपने मनपसंद प्राइस पे इसको खरीद सकते हो। जैसे कि इसकी प्राइस चल रही है 235.50। अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं 230 पे तो यहाँ पे आप एंटर करेंगे। जब भी इसकी प्राइस यहाँ पे आ जाएगी आपका ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब मार्केट रेट क्या होता है, मार्केट रेट यानी कि जो भी इसकी करंट प्राइस चल रही होती है उसी पे डायरेक्टली आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। सिंपली हमें बाय पे टच करना है। बाय पे टच करने के बाद कन्फर्म आ जाएगा। कन्फर्म पे टच करने के बाद हमारा ऑर्डर जो है सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा। दोस्तों ये जो वीडियो बनाई गई है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई गई है। जब भी आप कोई भी स्टॉक में निफ्टी बैंक निफ्टी में फ्यूचर ऑप्शंस में एंट्री का प्लान करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही उसमें एंट्री बनाएं। और अभी तक आपने एंजल वन में डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, उस लिंक का यूज़ करके आप फ्री में डीमैट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।